तो दोस्तों आज हम एक ऐसी लड़की की जर्नी देखेंगे जो अपने प्रिंस को माउस से वापस इंसान बनाना चाहती है और इसमें उसकी मदद करती है एक नौसिखिया जादूगर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हमें एलेक्स नाम के एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जिसे एक विच ने खानदानी दुश्मनी के कारण माउस में बदल दिया और उसकी जगह एक फेक प्रिंस ओलाफ को बिठा दिया। फिर एक दिन उनके राज्य में एक एला नाम की लड़की आई जिसके साथ उसकी जादूगर दोस्त क्रिस्टल और वोल्टर और मैनी नाम के दो माउस थे। उन्होंने किसी तरह उस विच को मार डाला लेकिन मरते हुए विच ने एला को एक स्टोन में बदल दिया। एलेक्स को उसका सैक्रिफाइस देखकर बहुत दुख होता है और वो अपनी लाइफ पावर उसे देकर वापस माउस बन जाता है। तब से एला और उसके फ्रेंड्स कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे वो एलेक्स को फिर से इंसान बना सके। ऐसे ही एक दिन क्रिस्टल भागती हुई एला के पास आती है और बताती है कि उसने श्राप को तोड़ने वाला स्पेल ढूंढ लिया है। इसके लिए वो उन्हें कुछ चीजें लाने को बोलती है जैसे ब्लैक फेदर, रेनबो एग और ब्लू फ्लावर का स्टेमिन। इन सब को मिलाकर वो एक मैजिकल पोशन बनाती है लेकिन एलेक्स पर इसका कोई असर नहीं होता और उल्टा वो उसे घायल कर देती है। क्रिस्टल समझ जाती है कि अभी वो एक परफेक्ट जादूगर नहीं बन पाई है और इसीलिए उसके स्पेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। तभी उसकी नज़र स्पेल बुक के ऑथर पर पड़ती है जिसका नाम डॉक्टर नोएटोल है और उन्हें लगता है कि वो शायद उनकी मदद कर सकता है। एला एलेक्स से वहीं पैलेस में रुकने को कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस ऑथर के घर पहुंच जाती है। वो देखते हैं कि उसका घर मैजिक से भरा हुआ है लेकिन बहुत बुलाने पर भी वो उनके सामने आने से मना कर देता है। तब एला उसे सारी बात बताती है और उसकी प्रॉब्लम सुनकर वो उनसे मिलने को तैयार हो जाता है। वो देखते हैं कि ये डॉक्टर असल में एक टॉर्टोइज है और उसे अपनी नॉलेज पर बहुत ही घमंड है। थोड़ा भाव खाने के बाद वो फाइनली उन्हें एक क्लू देने को तैयार हो जाता है और बताता है कि तुम्हारी मदद लाइफ स्टोन नाम का एक जेम ही कर सकता है जो समुद्र पार फॉरेस्ट क्वीन के कैसल में रखा हुआ है। लेकिन साथ ही वो उन्हें वॉर्न भी करता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और अगर तुम क्वीन तक पहुँच भी गए तो वो तुम्हें लाइफ स्टोन कभी नहीं देगी। क्रिस्टल को लगता है कि वो बस उन्हें बेवकूफ बना रहा है लेकिन एला उसे वहाँ तक पहुँचने में अपनी मदद करने को कहती है। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि मेरे बैकयार्ड में एक क्लाउड रहता है और अगर तुम उसे मना सको तो वो तुम्हें समुद्र के पार ले जा सकता है। ये सुनकर वो सब उस क्लाउड से मिलने जाते हैं लेकिन देखते हैं कि वो उनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्रिस्टल फ्रस्ट्रेट होकर उस पर अपना मैजिक यूज करती है और इससे क्लाउड को भी गुस्सा आ जाता है। एला समझ जाती है कि वो तो बस उनके साथ खेलना चाहता है और जल्दी ही उसमें और क्लाउड में दोस्ती हो जाती है। एला फाइनली उसे अपनी जर्नी के लिए तैयार कर लेती है और ये देखकर क्रिस्टल उदास हो जाती है। आगे हम उन सबको उस कैसल की ओर जाते हुए देखते हैं और एला नोटिस करती है कि क्रिस्टल का मूड अचानक से खराब हो गया है। एला उससे इसका कारण पूछती है जिस पर क्रिस्टल बताती है कि शायद वो अपने ग्रुप के लिए एकदम यूजलेस है और यहाँ तक कि अपना मैजिक भी ठीक से नहीं यूज कर पाती। उसे लगता है कि वो कभी एक परफेक्ट जादूगर नहीं बन पाएगी और शायद अब उसे जादू करना छोड़ देना चाहिए। तब एला उसे समझाती है कि इंसान को कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो उसे खुद पर यकीन रखने को बोलती है। फिर जल्दी ही वो लोग उस फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं और क्लाउड उन्हें वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। यहाँ उनका सामना एक बोलने वाले पेड़ से होता है जो खुद को इस फॉरेस्ट का गाइड बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस कैसल तक तुरंत पहुंचा दूंगा। वो देखते हैं कि ये पेड़ चलने में बहुत स्लो है लेकिन कोई और चारा ना होने के कारण उन्हें उसे ही फॉलो करना पड़ता है। पेड़ की मदद से फाइनली वो उस कैसल तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दो गार्ड्स वहाँ की पहरेदारी कर रहे हैं। क्रिस्टल अपने माउस फ्रेंड के साथ उनका ध्यान भटकाती है और पीछे से एला उस कैसल के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे फॉरेस्ट क्वीन का रूम दिखाई देता है जिसमें कुछ अजीब सी स्टैचूस रखे हुए हैं। तभी एक लैंप जिंदा होकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम शक्ल से मुझे एक चोर लग रही हो। वो एला से खुद को अपने साथ ले जाने को बोलता है और कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। देखते ही देखते वो दूसरे स्टैचूज भी एला से यही रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसमें एक जीनी और एक मैजिकल कारपेट भी है। फिर एला गलती से एक मैजिकल पेंटिंग में चली जाती है और एक के बाद एक उसे वहाँ कई खतरों का सामना करना पड़ता है। तभी उन्हें फॉरेस्ट क्वीन के आने की आवाज़ सुनाई देती है और एक लेडी एला को पेंटिंग से बाहर निकाल देती है। लैंप उसे जल्दी से एक अलमारी में छुपने को कहता है और तभी क्वीन अपने रूम में आ जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है और अपने मैजिक से एला को अलमारी से बाहर निकाल लेती है। वो एला से इस तरह यहाँ आने का कारण पूछती है और तभी उसे ढूंढते हुए क्रिस्टल और वो माउस वहाँ आ जाते हैं।
क्वीन को लगता है कि ये सब शायद यहाँ चोरी करने आए हैं और वो एक एक करके उन सबको कैद कर लेती है। तब एला उसे बताती है कि हम तो यहाँ उस लाइफ स्टोन को लेने आए थे ताकि अपने फ्रेंड एलेक्स की मदद कर सकें। लेकिन फॉरेस्ट क्वीन उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने यहाँ आने में देर कर दी क्योंकि लाइफ स्टोन को तो डेजर्ट क्वीन ने पहले ही चुरा लिया है। तब एला उससे एक डील करती है कि अगर हम लाइफ स्टोन को वापस ले आए तो आप हमें उसे अपने फ्रेंड पर यूज करने दोगी। फॉरेस्ट क्वीन उन्हें समझाती है कि डेजर्ट क्वीन बहुत ही खतरनाक है और तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, लेकिन एला पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। लैंप और बाकी स्टैचूज भी क्वीन को उनका ऑफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं और कुछ सोचकर वो उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है। फिर वो उन्हें आगे जाने के लिए एक मैप देती है और लैंप को एक कड़े में बदलकर एला के हाथ पर बांध देती है ताकि वो उन सब पर नजर रख सके। आगे का सीन डेजर्ट कैसल का है जहां ओलाफ इस सारे प्लान की जानकारी डेजर्ट क्वीन को देता है, लेकिन उसे लगता है कि वो बच्चे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब ओलाफ कहता है कि आपको अपनी आर्मी के लिए एक जादूगर की जरूरत थी और मैं क्रिस्टल को बहलाकर आपके पास ला सकता हूँ। बदले में आपको मेरा किंगडम पाने में मेरी मदद करनी होगी और डेजर्ट क्वीन भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शॉर्टकट नजर आता है, लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि उन्हें इस रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहिए। वो अपने मैजिक से इधर उधर खतरा ढूंढने लगती है, लेकिन एला उसे समझाती है कि तुम बेवजह ही ओवर रिएक्ट कर रही हो और हर जगह मैजिक यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और क्रिस्टल गुस्से में उन्हें छोड़कर चली जाती है। यही हम ओलाफ को देखते हैं जो छुप कर उन पर नजर रख रहा था और वो क्रिस्टल से मिलने उसके पीछे जाता है। आगे एला और उसके साथियों को एक हट दिखाई देती है जिसमें ढेर सारा खाना रखा हुआ है। तभी एक पिंजरा एला को कैद कर लेता है और पता चलता है कि ये एक शैतान बिल्ली का घर है। वो वोल्टर को पकड़कर खाने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वोल्टर को उसकी बनाई डिशेज बहुत पसंद आई है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमेशा से एक शेफ बनना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसकी डिशेज को पसंद नहीं करता था। एला को ये सुनकर क्रिस्टल का ध्यान आता है और वो सोचती है कि ना जाने वो किस हाल में होगी। उधर ओलाफ क्रिस्टल से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी स्किल्स की कोई कदर नहीं है और अगर तुम डेजर्ट क्वीन के साथ मिल जाओ तो वो तुम्हें एक पावरफुल जादूगर बना देगी। क्रिस्टल भी उसकी चालाकी को नहीं समझ पाती और डेजर्ट क्वीन का साथ देने को तैयार हो जाती है। इधर एला और माउसिस का सामना एक बियर से होता है और इससे पहले कि वो उन्हें चोट पहुंचा पाए, एला उसे अपने यहाँ आने का कारण बताती है। बेयर उसका दोस्तों के लिए प्यार देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक लेटर पढ़ना होगा। पता चलता है कि ये लेटर उसके भाई ने उसे लिखा था जिसके साथ काफी टाइम पहले उसकी लड़ाई हो गई थी और अब वो सब कुछ भुलाकर उसे दोबारा मिलना चाहता है। एला समझ जाती है कि अपनों से अलग होना ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और ये सोचकर उसे क्रिस्टल का ख्याल आता है और वो वोल्टर और मैनी के साथ उसे ढूंढने निकल जाती है। ओलाफ भी डेजर्ट में उन्हें देख लेता है और क्रिस्टल की मदद से वो उन तीनों को एक स्पेल में कैद कर लेते हैं। एला भी क्रिस्टल को उसके साथ देखकर बहुत हैरान होती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो उन्हें धोखेबाज और सेल्फिश बताती है। ओलाफ भी आग में घी डालने का काम करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी ही क्रिस्टल एक पावरफुल जादूगर बन जाएगी। एला एक बार फिर उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे बिना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते थे और तुम अभी भी हमारी टीम का एक अहम हिस्सा हो। ये सुनकर क्रिस्टल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपने दोस्तों को आजाद करके वो ओलाफ को स्पेल में कैद कर लेती है। आगे वो एक लंबा रास्ता तय करके उस कैसल तक आते हैं जिस तक जाने के लिए उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके सेंटर में आते हैं वो ब्रिज टूटने लगता है और ये लोग बड़ी मुश्किलों से बचते हुए दूसरी तरफ आते हैं। फिर कुछ बबल्स उन्हें उठाकर ऊपर पैलेस में ले जाते हैं और यहाँ उनका सामना उस डेजर्ट क्वीन से होता है। वो उन्हें बताती है कि लाइफ स्टोन से मैं अपने डेजर्ट को हरा भरा करना चाहती हूँ और यही मेरी डेस्टिनी है। एला उससे किसी और तरीके के बारे में पूछती है जिस पर क्वीन कहती है कि मुझे अपने काम के लिए एक जादूगर की जरूरत है और अगर क्रिस्टल यहाँ रहने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें वो लाइफ स्टोन यूज करने के लिए दे सकती हूँ।
क्रिस्टल उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है और एला को समझाती है कि इससे वो एलेक्स को फिर से इंसान बना सकती है और डेजर्ट क्वीन की मदद से उसका बड़ा जादूगर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर डेजर्ट क्वीन उसके हाथ में वो लाइफ स्टोन देती है, लेकिन पता चलता है कि ये सब उसका एक प्लान था और उसने क्रिस्टल को अपने स्पेल में बांध लिया है। उसे कंट्रोल करके वो एला को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और क्रिस्टल को अपने साथ कैसल में ले जाती है। इधर एला किसी तरह बच जाती है और वोल्टर और मैनी के साथ ऊपर कैसल की ओर चढ़ने लगती है। उधर डेजर्ट क्वीन क्रिस्टल से एक बार फिर सोचने को कहती है और बताती है कि मैं तुम्हारा परफेक्ट जादूगर बनने का सपना पूरा कर सकती हूँ, लेकिन क्रिस्टल ऐसा करने से मना कर देती है। तभी एला और उसके माउस वहाँ आते हैं और क्वीन को बातों में उलझा कर लाइफ स्टोन को चुरा लेते हैं। क्रिस्टल भी स्पेल टूटने से आजाद हो जाती है और वो सब कैसल से बाहर आ जाते हैं। डेजर्ट क्वीन गुस्से में उन पर अटैक करती है, जिसके लगते ही क्रिस्टल एक डॉल में बदल जाती है। एला को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो डेजर्ट क्वीन से इसका बदला लेने की सोचती है। डेजर्ट क्वीन उस पर भी अपना स्पेल यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड टाइम पर वहाँ फॉरेस्ट क्वीन आ जाती है। फॉरेस्ट क्वीन एला से वो लाइफ स्टोन लाने को कहती है, क्योंकि उसके बिना वो डेजर्ट क्वीन का मुकाबला नहीं कर पाएगी, और ये सुनकर एला तुरंत उसे ढूंढने निकल जाती है। पता चलता है कि वो लाइफ स्टोन मैनी के पास है, लेकिन तभी उनके सामने ओलाफ आ जाता है। वो उनसे स्टोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एला वहाँ आकर उस स्टोन को पकड़ लेती है। तभी वो माउस ओलाफ पर अटैक कर देते हैं और इसी हड़बड़ी में उनके साथ साथ एला भी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग नीचे जमीन से टकराएं, क्लाउड वहां आकर उन्हें बचा लेता है और बताता है कि डॉक्टर ने उसे उनकी मदद करने भेजा है। फिर वो उड़ते हुए वापस कैसल की ओर आते हैं और देखते हैं कि डेजर्ट क्वीन ने फॉरेस्ट क्वीन को ट्रैप कर लिया है। एला किसी तरह बचते हुए उस स्टोन को फॉरेस्ट क्वीन की ओर उछालती है, लेकिन वो देखते हैं कि डेजर्ट क्वीन भी उसे पकड़ने आ रही है। तभी फॉरेस्ट क्वीन एला के हाथ में बंधे उस लैंप को एक्टिवेट करती है और उसकी रोशनी डेजर्ट क्वीन को चकाचौंध कर देती है। लाइफ स्टोन भी फाइनली फॉरेस्ट क्वीन की छड़ी तक पहुंच जाता है और वो डेजर्ट क्वीन को उड़ाकर दूर फेंक देती है। आगे हम उन सभी को फॉरेस्ट कैसल में देखते हैं, जहां क्वीन उन्हें बताती है कि वो एलेक्स और क्रिस्टल में से किसी एक को ही ठीक कर सकते हैं। तब एलेक्स उससे क्रिस्टल को जिंदा करने को कहता है, क्योंकि उसकी ये हालत उसी की वजह से हुई है और एला को भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर क्वीन स्टोन की पावर से क्रिस्टल को ठीक कर देती है और हम देखते हैं कि वो इस बार एक नए रूप में है। क्रिस्टल एलेक्स को माउस के रूप में देखकर बहुत हैरान होती है और तब फॉरेस्ट क्वीन उसे सारी बात बताती है और ये सुनकर क्रिस्टल को बहुत दुख होता है। आगे क्वीन उसे बताती है कि लाइफ स्टोन ने तुम्हारी मैजिकल पावर को बढ़ा दिया है, जिससे तुम भी एक परफेक्ट जादूगर बन चुकी हो और अब तुम फिर से अपना पहले वाला स्पेल ट्राई कर सकती हो। क्रिस्टल भी ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से स्पेल की चीजों को फिर से इकट्ठा करने को बोलती है। फाइनली उसके स्पेल से एलेक्स फिर से इंसान बन जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.